Deeper into the Jat Belt, in a state deeply entrenched in caste lines, the demand echoes. The kingmakers want to be king this time. Chief ministership. यहाँ की राजनीति कैसे देखते हैं? यहाँ की राजनीति तो बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस और बीजेपी, बस यही चलता आ रहा है। हाँ, यही कभी कभी इस क्षेत्र में मार्क्सवादी भी आते हैं। सही बात कर रहे हैं। जो आपका जो गांव है वो जाट बहुल गांव है? हाँ, जाट बहुल है। जाट बहुल है, सबके सब यहाँ पर जाट जाट है, कुछ मोमडन भी। आप लोगों को लगता है कि जो जाट जो यहाँ पर कम्युनिटी है उनको पूरा दर्जा मिला है जो मिलना चाहिए यहाँ पर? राजस्थान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला जी? अब ये तो कोई राजनीति को पता नहीं क्या है, ये तो राजनीतिक द्वेष्टा है कि पहले भी जाट लीडर्स बहुमत में आए हैं पर वो उन्होंने काला का मानने मना कर दिया, सीएम नहीं बनाया, सीएम नहीं बनाए गए। 52 के चुनाव से कोशिश कर रहे हैं कि जाट किसान सीएम बने, लेकिन आज तक तो बना नहीं। अब की बार देख रहे हैं कि किसान बन जाए तो ठीक है कि जाट सीएम बने। जाट सीएम क्यों चाहते हैं? जाट है, जाट और किसान एक ही है। अब देखें, थोड़ा स्वतंत्र जाए, जाटों का कुछ भला हो जाए। जब से आरक्षण मिला तो हमने बहुत खुशी मनाई कि जाटों को आरक्षण मिला है। आरक्षण मिलने के बाद में नौकरियां भी खूब मिली हैं, राजनीति में भी खूब लाभ मिला है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर सीएम बन जाए तो मालूम नहीं कितना हमें लाभ हो। ये डिमांड है आपकी फिर से? बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त है। जैसे आरक्षण की डिमांड थी ना, जाट आरक्षण की, वैसे ही सीएम की डिमांड है। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जाट सीएम का डिमांड पूरी करे? अब ये तो पार्टी तो हम कुछ के कहे, हमें तो जो सीएम बनाए वही पार्टी बढ़िया लगती है। अच्छा, जो आपको बताया कि हम जाट सीएम बनाएंगे, आप उसी के साथ? कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता। हम तो एक कहते हैं, जाति पाति में भेद नहीं रखते हैं, ये नहीं रखते हैं, जाट वाट कुछ नहीं। लेकिन वहाँ जाके फिर चलने लगता है, टिकट में भी जो ये चलता है, यहाँ जाट ज्यादा है उसको टिकट दो, यहाँ ब्राह्मण ज्यादा है इसको टिकट दो। आदमी को नहीं देखा जाता, जैसे सीकर की टिकट है वो ब्राह्मण की पक्की हो गई, इसमें जाट को टिकट नहीं देते, सीट नहीं देते जाट को, किसी पार्टी कोई भी पार्टी नहीं देता जाट को। किस मुद्दों पे वोट करते हैं? नहीं, जैसे ये हमारी ये रोड है ना, इसको मालूम नहीं कितने साल हो गए, हर चुनाव में उसको मुद्दा, जैसे जाट सीएम का मुद्दा उठता है ना, वैसे ही इस सड़क का मुद्दा उठता है। लेकिन नहीं, बस वो हाँ हाँ कर जाते हैं फिर। पर क्या कोई और, जो मान लीजिए कि कोई और कास्ट का, कोई और समुदाय का, वो भला नहीं करेगा आपकी कम्युनिटी का? ऐसा हम नहीं कह रहे भला नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं होता कि भला नहीं करेगा। लेकिन एक बार जातिगत प्रतिनिधित्व की बात सोचते हैं तो मतलब जाटियां काफी हैं, उनको बार बार ये इनडायरेक्ट कहा जाता है। जैसे वीरेंद्र सिंह यहाँ कह के गया था आपकी बार जाट सीएम बनेगा, या सीकर में कह के गया था, लेकिन उसके बावजूद भी तो ये भी या आपकी भी डिमांड है? हाँ, मुख्य डिमांड ये भी है, जैसे ये स्वामीनाथन आयोग के लिए बात कर रहे हैं, जैसे किसान को एमएसपी से ऊपर जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसके अनुसार किसान को यदि दें तो यहाँ किसान का भला हो सकता है, मतलब कोई भी दे। ये बात तो तय है कि जहाँ पर जाट जाता है वो सरकार बना देता है, जिधर ज्यादा मुंह कर लेते हैं वो पार्टी निकल जाती है। The women behind the veil, for the first time, heartening to see them vocal on their disappointments. Their aspirations and their most strident demands. मतलब खुशी छोड़ दो मोदी जी, आपके बस की नहीं है। एक कुर्सी पे किसान बैठे ला, अब हमारा कर्जा माफ करने ला। किसान आपके किसान राज किसान। में किसान बर्बाद है, महिलाएं बर्बाद है, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। मणिपुर में आपने देखी हो, भाजपा की सरकार है। आप नेता हो? नहीं नहीं, नेता नहीं है, लेकिन समझदार किसान तो है, किसान है, किसान है, पढ़े लिखे समझदार है, सब कुछ देखते हैं, जानते हैं। आपकी किसान की हालत बताऊं, आज की हालत है, मैं आज रोटी नहीं खाई हूँ, आपकी कसम झूठ बोल रही हूँ। किसान क्या रहता है, रोटी को नहीं खाई, नाई भी आप फोन करियो, कौन करियो मेरे घर बोपाई को करियो, जब बोलिया भाई आ रहे हैं, जब मैं ये जल्दी से ना हूँ जो नाई, आपकी समस्या बताऊं तो मेरा समस्या है कि दिवाली ने भी सिर नहीं आया। रोजगार है तो रोजगार को नहीं मिल रहे हो, डेली पेपर आउट हो रहे हैं,
और लंपी रोग आयो भीम सरकार की तरफ कोई मदद को कोई मदद को नहीं करी, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे और कोई मदद नहीं मिली हमारे रसीदपुरा में। डेरिया है बहुत ज्यादा, 287 गाय मर गई हमारे रसीदपुरा में, कोई मदद नहीं मिली। गहलोत कह रहे हैं 500 का सिलेंडर दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? वेरा नहीं, हमें तो मिलता नहीं है, किसको मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है, जिनके पास थोड़ी बहुत भी जमीन है, दो बीघा भी जमीन है रहने के लिए, उसको सिलेंडर नहीं मिलता है। 1200 रुपए में मिलेगा उसको। तो ये सब नाम का है, जो नाम का है, हाँ, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कोई की सरकार हो, मारो तो नाको पब्बा नहीं रहे। किसान बीज लिया, बीज या बंजा शी ना ओ बीज उगसी, ग्रह को बीज उगे को नहीं, वो मंगवा जाए और पच वो उगे को नहीं। आप लोग वोट डालते हो? बिल्कुल डालते हैं। क्या सोच के वोट डालते हैं? हम तो वोट उसको डालते हैं जो हमारे लिए आगे आए, काम करे। किसी ने करा है? बिल्कुल हमारे लिए, जैसे राज में तो नहीं है लेकिन कॉमरेड है, वो किसानों के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं। और हमारे यहाँ पर कॉमरेड पेमाराम जी हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, सड़कों पे भी रहते हैं हमारे लिए, जेलों में भी जाते हैं। एक नेता ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए संघर्ष करे, ऐसा नहीं कि वोट ले जाए। मोदी जी जैसे 2 करोड़ का वादा करके गए थे नौकरी का, मैं खुद आधे आधे नंबर से रही हूँ, हर बार तो पेपर लीक कर देते हैं। और जो वैकेंसियां करते हैं कि चुनाव के टाइम में इतनी वैकेंसी आएंगी, इतनी आएंगी, फिर वैकेंसियां करवाते नहीं है। आपने पेपर दिए हुए? बिल्कुल दिए। किस किस के दिए? मैंने रीट के भी दिए हैं, केवीएस के भी दिए हैं, लाइब्रेरियन के भी दिए हैं। पेपर लीक हो गए? पेपर लीक हो जाते हैं, वैकेंसियां होती नहीं है, आउट हो जाता है होने के बाद में। आप अभी भी नौकरी ढूंढ रहे हो? ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल नहीं मिल रही है। और किसानी का काम भी कर रहे हैं, किसानी में भी कुछ नहीं बच रहा है, किसानी में भी कुछ भी कुछ नहीं बच रहा है। जैसे गाय पालन का काम करते हैं, पशुपालन का, तो लंपी में गाय मर गई। मतलब हमारे किसानों की हालत इतनी खराब है, उनके बच्चे तो वैसे नौकरी नहीं लग सकते। अग्निवीर जैसी योजना है, जो बच्चा किसान का बच्चा ये उम्मीद करता है कि हमारा बच्चा फौज में जाएगा, अग्निवीर जैसी योजना ही ला दी। उनमें न तो जो सैनिक शहीद होते हैं उनको सम्मान मिलता है, और 4 साल के लिए नौकरी है, फिर 4 साल बाद में वो युवा क्या करेगा आके। 3 मुद्दे आप मुझे बताओ, या 1 मुद्दा बताओ जो सबसे बड़ा है आपके लिए, वो क्या होगा? हमारे लिए कोई सोचे किसान के बारे में सोचे किसान, यही आपके लिए सबसे बड़ा है। अगर परिवार का भाई दे लो, इन दे दो, बिन दे दो, भाई चर्चा हुआ भी साहब माया पर, वो कर दे लो। 30 साल होगी कहाँ करा पड़िया, और मैं वोट भी दिए सड़क की खातर ही दिए, पर हमारी सड़क आज तक नहीं बनी है। बोलो ये सड़क में थे आया हो कोई अत्ता पूरा ये एरिया का माया की सड़क ही के ना ना कोई सड़क नहीं। बच्चों पेट में ने 5-4 मन्ना को तो वो मान लो लेडीज के तो ऑपरेशन दोबारा तो मन निकली जाए, अति खतरनाक है। अब मान लो कमर में दर्द है तो कमर में दर्द कर दी डॉक्टर कह दी स्कूटी पर मोटरसाइकिल मत बैठो ना, क्या बैठे कोई क्या बटे अति दूर जाना, कोई इनका जवाब छोड़ रहा जा अति दूर में छोड़ गोने आके शिकर छोड़ जाऊ, पर थाली डाली में कौन छोड़ रहा हूँ, थाली डाली में लेर कौन जाऊ, हमारी हालत रोड नहीं है, खड्डा पड़े इसमें तो खड्डे में तो गिर जाती है ना। 35 रुपए में पेट्रोल आता है, सरकार उसको 100 रुपए में बेच रही है, 100 पार हो गया है। कितनी महंगाई बढ़ गई है, नमक मिर्च पे GST लगा दिए, लोपर लगा दी, कुछ भी कोई किसान कीजिए कोई भी, और तो प्याज के निर्यात पे भी लगा दी है 6-10। अगर किसान 10 रुपए में प्याज बेचेगा ना तो 6 रुपए सरकार को देने पड़ेंगे, क्या करेंगे किसान? हाँ, अब की बार कीड़ो खागो नष्ट कर दी फसल, और बीज भंडारून यूरिया DAP लाला भी दी, जो वो कीड़ो खायो जो किसान उम्र जा लो मैं मरगा किसान ही मरगो, वो कीड़ो को नहीं मरगो मारे मल्ला तो अपन रोवा तो की का बाप को अब किन खरा किन खा कोई सुबड़ धरती पर आए थी को नहीं, जो पकड़ना किसान कोई सो भाई इकन साल बिकन साल इं करता फिर अब उपाय के करा। जो VCA पावर प्लांट लागे है, जो को पहले पंजाब में हा बटे इलिए बंद कर दिया गया, बटे अस्थमा की बीमारी बहुत ज्यादा होगी, बच्चा जगह पैदा हो रही है, विकलांग पैदा हो रही, पानी की कमी है, हमारे दोध डार्क जोन घोषित कर रहा है, पहली सुई पानी की कमी है, अठे VCA पावर प्लांट लगा रही है केंद्र सरकार, के सोचर लगा रही है पानी की कमी है, पहली सु पानी की कमी है,